यूपी के जनपद बांदा के बदौसा थाना क्षेत्र ग्राम बदावल का पूरा मामला है, जहां पर गायत्री पुत्री सोखीलाल उम्र 14 वर्ष बागे नदी किनारे शाम 6:30 बजे शिव मंदिर में पूजा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय ब्लेड से अपनी जीभ को काट लिया। इसके बाद में बेहोश होकर गिर पड़ी। जैसे ही खून से लथपथ उसे ग्रामीणों ने देखा तो परिजनों को तत्काल सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने ग्राम प्रधान को सूचित किया। ग्राम प्रधान ने लमेटा चौकी इंचार्ज को फोन से जानकारी दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लमेटा चौकी इंचार्ज ने एम्बुलेंस की मदद से लड़की को घायल अवस्था में बिसंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इस घटना को देखते हुए पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। वहीं मंदिर परिसर पर देर रात मजमा लगा रहा। वहीं ग्रामीण लड़की गायत्री की मां ने बताया कि यह रोज शाम सुबह मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी और कार्तिक और माघ का महीना था। रोज शाम सुबह नहाकर मंदिर में पूजा करने जाती थी और आज लड़की ने शाम को मंदिर गई थी और जहाँ ब्लेड से अपनी जीभ को काट लिया। हमको गाँव वालों ने इस मामले की सूचना दी है। ब्यूरो रिपोर्ट राधेश्याम गुप्ता, सतवंत सिंह, बांदाई। भैया क्या है, बताएं मामला क्या है इसमें। मेरा नाम तिजोर सिंह है और मेरी बहन का नाम है गायत्री और बदौल का रहने वाला हूँ मैं। और ये डेली पूजा करने जाती थी तो मतलब कहाँ जाती थी पूजा करने? ब्रह्म बाबा के पास में। अच्छा, मंदिर में। तो वहाँ पूजा करने से फिर अपना ये मतलब अगरबत्ती और ज्योत जलाया, फिर ब्लेड भी लिए, तो वहाँ क्या कहते हैं सब गिफ्ट काट लिया। कब ये घटना आई? 6 बजे के हम टांग के ले आए घर बेहोशी में। अब यहाँ पानी का छींटा उठा मारा तो होश आ गया। आदमी लोग गांव के आदमी जो आ गए कहने लगे कि इसको वही स्थान में डाल, तो वही स्थान में घर से टांग करके भी उसी स्थान में ले गए। अच्छा, फिर अस्पताल लेके आए हो आप? हाँ, अस्पताल में लाए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रजनी। रजनी, पति का नाम? सौखीलाल। सौखीलाल। गांव? हाँ, भदावल। भदावल। ये तुम्हारी लड़की ने इस ब्रह्म बाबा के स्थान पर ये जीभ अपनी क्यों काट ली? अब अगरबत्ती जलाने आई है तो अब का जान के जाए हम पता पावा जाए हम भागे। कब से आ रही थी अगरबत्ती जलाने? 3-4 साल से होगा। 3-4 साल से हो गया। कार्तिक नहाते रही, मतलब रोज आती थी हमेशा? रोज डेली। अब तो ये इसको किसी ने सलाह दिया या ये अपने मन से काट लिया? कहा जाना साहब, तो आपको मतलब किसी कोई जानकारी नहीं हुई? हमारी जानकारी नहीं, ना किसी से चर्चा हुई घर में। ब्लेड कहाँ से लाई ये आपको मालूम पड़ा? ब्लेड वो घर में लगा कर कोई चाट लगाएगा, वैसे कैसे मंडी खोल के देखे तो मैं उसे देहूँ फल जाओ। और अब ऊपर का काम आया, हमें कोई बहुत पता नहीं। दुकान से ले आई? दुकान से ब्लेड लाई है। हाँ। घर से नहीं लाई? हाँ। अच्छा, तो फिर इसके बाद जब जीप कट गई तो फिर यहाँ कौन आया सबसे पहले आपके घर से? अब हमारा लड़का हुआ जब शुभकर्ण बताई। तो यहाँ लड़की आपको किस हालत में मिली? बेहोश मिली, वही तना हाथ पा जोड़े। फिर टांग के उसको घर ले गए? घर ले गया तो हम कहा चक्कर आई गिर गए। फिर वहाँ से उसको यहाँ क्यों लाए? सबको कहा ला कि स्थान तो वे। अच्छा, ठीक है। कैसे सूचना मिली? कैसे सूचना प्रशासन? ठीक है, प्रशासन को कैसे सूचना दी? प्रशासन को सूचना कैसे मिली? फिर पुलिस कैसे आई? प्रधान आवा तो फिर सूचना दी। अच्छा, सब बताई तब प्रधान पर किन्हें देख के। अच्छा, तो फिर कहाँ गई लड़की? लड़की अब गाड़ी में चली गई अस्पताल, जिला अस्पताल। एम्बुलेंस आई थी? हाँ। तो उसको ले गए? हाँ। उसकी जीप भी ले गए? अब ले गई है मैंने। ले गए जीप भी ले गए। ठीक हो गया। ठीक।